40,000 की आबादी पर मुश्तमिल सरहदी ज़िला पुंछ का गांव बनपत, जहां के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बुनियादी सहूलतें भी ना होने की वजह से आवाम परेशान। जहां तक मैं जानता हूं कि दो पंचायत हैं हमारी यहां, डोकरी बनवत और आई थिंक बनवत और गुंडी, दो पंचायत हैं और इसमें ये एक ही डिस्पेंसरी है और यही पूरी यहाँ सर वैक्सीन वगैरह के लिए यही डिस्पेंसरी काम करती है। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं सर, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ देखने में आई है कि बच्चों को जो वैक्सीन की जाती है टाइम टू टाइम, जैसे वो डेढ़ महीना, डेढ़ साल या ढाई साल या कुछ ऐसे की जाती है, तो उसके लिए फ्रिज वगैरह की ज़रूरत होती है जहाँ पर वो वैक्सीन रखी जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी डिस्पेंसरी में तो लाइट कनेक्शन तक नहीं है, तो रेफ्रिजरेटर का होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये कम से कम मैंने बड़ी एक ताज्जुब खेज सी बात देखी कि 5-4 किलोमीटर दूर से ऐसी किस तरीके से वो वैक्सीन लाई जाती है, और अगर वो लाई भी जाती है तो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है। 1985 या 86 के बाद हमने होश संभाला, तो तब से हम इसे देख रहे हैं। तो उस हिसाब से आज तक तो इसके अंदर कम से कम 5-6 बेड होने चाहिए थे और प्रॉपर जो है वो OPD होनी चाहिए थी, ऐसा कुछ देखने को अभी तक तो नहीं मिला है। सर यहाँ जैसे थोड़ी हमें पानी की प्रॉब्लम है, लाइट की प्रॉब्लम है, यहाँ जैसे थोड़ी मेडिसिन की प्रॉब्लम आती है, बिजली, सर बिजली का यहाँ कनेक्शन ही नहीं है, बाहर से कोई अंदर की बिजली फिटिंग हुई है, बाहर से कोई कनेक्शन नहीं है। बाहर से अभी तक कनेक्शन नहीं आया जी, अभी तक नहीं है। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ काम करते हुए? सर हो गया 1 साल के ऊपर हो गया, जब से बनी है तब से यहाँ लाइट नहीं बनी है। हमारा ये इधर डिस्पेंसरी आपने देखी, इसकी क्या हालत है यहाँ, अगर हमें कोई 5-7 अगर कहीं एमरजेंसी के टाइम में कोई बेड मिल जाए या कोई रात ड्यूटी वाला आदमी हो तो यहाँ जो है ये हमारी प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो सकती है, क्योंकि एमरजेंसी में, क्योंकि हम आपने देखा है जैसे बाजार हमको कितना दूर है, फिर मैंने आपको बताया कि रोड की ना होने की वजह से हमें कितनी बड़ी इस वक्त प्रॉब्लम है। इसलिए ये हमारी डिस्पेंसरी जो ये बिल्डिंग इधर बनी है, इसमें देखो कोई मतलब या बेड नहीं है, कोई इतना बड़ा इंतज़ाम नहीं है, कोई ग्लूकोज का इंतज़ाम नहीं है। तो जब कोई बीमार हो जाता है या कोई हमला औरत होती है तो उसको आप किस तरह अस्पताल तक पहुंचाते हो सड़क ना होने? जनाब हम तो वो बहुत हमारी मुश्किल से हम लाते हैं, फिर वो हम आसपास से आदमी को बुला के तो फिर चारपाई के ऊपर उठा के इधर लाते हैं, फिर इधर अगर कोई गाड़ी का बंदोबस्त हो जाए तो, नहीं तो ऐसे ही लेके हॉस्पिटल में। इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप हमारी ये बात जो है किसी सतह के ऊपर पहुँचाएँ ताकि हमारी भी कोई सुनाई हो सके। मैं सीएमओ पूंछ डॉक्टर मुमताज़ अहमद भट्टी से ये अपील करता हूँ कि गांव बनपत के हेल्थ सेंटर की तरफ अपनी खसूसी तवज्जो दे के आवाम की परेशानी का हल निकाला जाए। मैं हूँ शराज सिकंदर, पूंछ, जम्मू व कश्मीर से, कश्मीर अनहर्ड।